मैं अनु हूँ और मेरा 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद मैंने पिछले 1.5 साल से जॉब छोड़ के UPSC की तैयारी शुरू कर रखी थी। तो थैंकफुली भगवान की कृपा से मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में निकल गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने थोड़ा ही टाइम लगाया था तो वो मेरा 1 मार्क्स से प्री मिस हो गया था। और मैं मैरिड हूँ, मेरा 4 साल का बेटा है। देखिए प्रिलिमिनरी और मेंस की तैयारी साइड बाय साइड ही चलती है, तो प्री और मेंस की तैयारी इकट्ठे ही की गई थी। सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिपरेशन फॉर प्री एज वेल एज मेंस। हाँ, प्री की डेडिकेटेड और फोकस तैयारी मैंने लगभग 3 से 2 महीना पहले स्टार्ट की थी। सो ओनली फॉर प्री आई डेडिकेटेड 2 मंथ्स एंड आफ्टर दैट अगेन इट वॉज फोकस ऑन मेंस। मैंने कोचिंग नहीं ली थी, सो माइन इज़ ऑल सेल्फ प्रिपरेशन और मेनली मैंने ऑनलाइन कॉन्टेंट पर रिलाई किया था। देयर इज़ अ वेबसाइट नेम्ड इनसाइट्स ऑन इंडिया, तो वहीं से मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। और मैं अपना करंट अफेयर्स रीड करने के लिए भी आई यूज़ टू रिलाई ऑन इनसाइट्स ऑन इंडिया ओनली। माई ऑप्शन सब्जेक्ट वॉज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की भी प्रिपरेशन मैंने खुद ही की थी, लेकिन मेन से पहले मैंने टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन की थी। सो आई ज्वाइन NICE IAS का टेस्ट सीरीज। ऑप्शन के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन GS पेपर्स के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। उसके लिए मैंने अपना सेल्फ प्रिपरेशन ही किया था और सेल्फ एवेल्यूएशन ही करती थी। इंटरव्यू के लिए मैंने कई मॉक्स दिए थे, तो इंटरव्यू के लिए मैंने कई इंस्टीट्यूट्स पे संकल्प वाजी KSG कई इंस्टीट्यूट्स पे राउस इन पर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो लगभग 5-7 मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे। मेरा इंटरव्यू बहुत ही जॉली इट वॉज़ अ डिस्कशन बेस्ड काइंड ऑफ थिंग, सो इट वॉज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एट ऑल। और कई बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछे गए मुझसे, जैसे कि एक सवाल था कि मैम व्हाट इज़ योर व्यू ऑन एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट दैट पिंक पजामाज आर फ्लाइंग ओवर रेड फोर्ट टुडे, कि आज लाल किले पे पिंक पजामे उड़ रहे हैं। तो इस तरीके के काफ़ी इंटरेस्टिंग से सवाल थे मेरे इंटरव्यू में, काफ़ी हटके भी थे जो मैंने सोचा था, बट इट वॉज ओवरऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग अफेयर। देखिए जो हमारा फिलहाल भी मुद्दा चल रहा है, मेरे दिल के करीब टू इशूज़ हैं। एक तो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन एंड क्राइम अगेंस्ट वेमेन। सो आजकल हम देख भी रहे हैं, मतलब ऐसे ग्रूसम हॉरर क्राइम्स हो रहे हैं बच्चों और महिलाओं के खिलाफ। सो माय फोकस वुड बी टू इंश्योर अ काइंड ऑफ सेफ्टी इन आर कंट्री। मैंने अपना कोई कैडर प्रेफरेंस नहीं भरा है, सो आई एम फ्री टू जॉइन एनीवेयर इन इंडिया। जहाँ पे मुझे पोस्टिंग मिलेगी आई विल हैव टू सर्व देयर। देखिए मेरा आप सभी को यही एडवाइस रहेगा, जब भी आप अपने मन में ठान लें कि आपको ये करना है, तो प्लीज़ अपने एम से आप डाइवर्ट मत होइएगा। अपना कॉन्टीन्यूस फोकस रखिए एम पे। आपने जिस जज्बे के साथ शुरुआत की थी उसे कॉन्टीन्यूसली आप कैरी ऑन करते रहिए। परसिस्टेंस इज़ द की टू सक्सेस। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में आई वुड से कि इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर स्मार्ट वर्क एंड ऑफ योर परसिवरेंस। आप एक बार जब लगते हैं तो उसी जज्बे के साथ उसी मेहनत के साथ आप कंटिन्यू करते रहिए एंड सूनर और लेटर सक्सेस विल बी योर्स।